अरे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ए टू जेड क्लासेस में। आज मैं आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ का वर्णन करने जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अलग अलग ग्राफ किस रूपों में खींचा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप लोग को कंप्लीट कंसेप्ट दिया गया था, किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, इसके लिए आप लोग को कंसेप्ट दिया हुआ हमारे प्रीवियस वीडियो में। ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट चल रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सरसाइज 4 केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ क्या होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए रेट इक्वेशन हम लोग को आया था क्या, LnR इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस LnR0, यही हम लोग का कंसेप्ट आया था। क्या था? LnR बराबर माइनस के इंटू टी प्लस LnR0। इसी कंसेप्ट की सहायता से हम लोग ग्राफ को क्या करना है, खींचना है। तो ग्राफ क्या होता है, तो इसमें पहला ग्राफ मैं आप लोग को बतलाता हूँ किसके किसके बीच, LnR एंड टी के बीच, ग्राफ बिटवीन LnR एंड टी। तो क्या हम लोग लिखते हैं, ग्राफ बिटवीन LnR एंड टी, मतलब समय और LnR के बीच हम लोग को ग्राफ देखना है। तो ग्राफ खींचना है तो क्या होता है, इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे LnR इक्वल टू माइनस के इंटू टी या प्लस LnR0, ये हमारा है। तो जब भी ग्राफ खींचिएगा तो y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी, इस रूप में हम लोग को इक्वेशन को लाना है। तो ये सरल रेखा का ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन का सरल रेखा जब रहेगा, लीनियर रहेगा मतलब सरल के रूप में रहता है, तो ये क्या होता है, इस तरह से ग्राफ हम लोग को आता है। तो y बराबर एम एक्स, तो ये होता है क्या, y एक्सिस पर, और ये होता है x एक्सिस। ग्राफ आप लोग जानते होंगे, y एक्सिस और ये क्या है, x एक्सिस है। उसके बाद क्या करना, ये होता है स्लोप और ये होता है इंटरसेप्ट। ये क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट, अंतःखंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःखंड, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, हिंदी में बोलते हैं इसको ढाल। तो यही कंसेप्ट की सहायता से यम का मान नेगेटिव रहेगा, यम का मान नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, और यम का मान पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, मतलब इंक्रीज करेगा। नेगेटिव रहेगा तो डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव रहेगा तो इंक्रीज, यही कंसेप्ट है ग्राफ को ड्रॉ करने का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा ग्राफ आ रहा है। तो ये हो गया बाई एक्सिस LnR और टी के बीच, तो LnR बाई और टी को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स। तो ये टी के एक्स के साथ जो रहता है इंटू में, उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप का मान क्या हो गया, स्लोप का मान हो गया माइनस के, और ये क्या कहलाएगा, सी का वैल्यू कहला गया। तो सी का वैल्यू क्या आ गया, अंतःखंड, सी का वैल्यू कहलाता है, मतलब अंतःखंड का मान LnR0 आ गया, स्लोप का मान नेगेटिव, स्लोप का मान नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। तब हम लोग देखते हैं, इसके लिए ग्राफ देखते हैं कि क्या होता है। तो ग्राफ हम लोग देखेंगे क्या होता है इसका, इसी में हम लोग देखते हैं। तो ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या हम लोग को, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब यहाँ पर स्लोप, अंतःखंड से ग्राफ शुरू होता है, मतलब सी का मान जो रहेगा वहीं से ग्राफ जो है इनिशिएट करता, मतलब स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट ग्राफ कहाँ से होगा, सी के वैल्यू से। तो सी का वैल्यू यदि नहीं रहेगा तो मतलब जीरो से ग्राफ शुरू होगा, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, जीरो। तो ओरिजिन से ग्राफ कब स्टार्ट होगा, जब सी का वैल्यू नहीं रहेगा तो यहाँ पर तो सी का वैल्यू है। तो ये जो है हमारा LnR का
इस पे क्या है ln r है, इस पे टाइम t है। अब यहां से हम लोग को ln 0 इसी पर रहेगा, तो यहां पर लेट करते ln r 0 है, ln r 0 है। अब ग्राफ जो है सरल रेखा रहेगा, क्योंकि ये सरल रेखा का समीकरण है। और माइनस m का मान देखिए क्या आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। तो ln 0 से स्टार्ट होकर ग्राफ नीचे की ओर गया, तो ये फर्स्ट ग्राफ हम लोग देखे। तो क्या देखे हम लोग, हिंदी में लिखिएगा, जब ln r एवं t के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका अंतःखंड ln r 0 एवं ढाल माइनस के है। तो ये हम लोग देखे क्या इसका फर्स्ट का बारे में वर्णन, मतलब फर्स्ट ग्राफ का वर्णन। सेकेंड ग्राफ हम लोग देखते हैं, इसमें इसी एलन को लॉग के रूप में रहे, एलन क्या चीज के रूप में रहे, लॉग के रूप में रहे। तो क्या कहेगा, ग्राफ ग्राफ बिटवीन लॉग आर एवं टी के बीच कहे, लॉग आर एवं टी के बीच ग्राफ रहेगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन को लॉग में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, ln r बराबर, मेन इक्वेशन मेरा यही है, ln r बराबर माइनस के इंटू टी और प्लस ln r जीरो। इसको लॉग में बदलते हैं, तो लॉग में बदलने के लिए क्या होता है, नियम जानते हैं हम लोग, ln को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से गुना करते हैं। तो गुना करते हैं, देखिए क्या आता है, तो 2.303 ln के जगह क्या लिखा जाएगा, log r, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या आया, फिर हम माइनस के इंटू टी, इसमें तो गुना नहीं करना है, ln रहेगा तब तो गुना करना है, यहाँ ln है तो गुना करेंगे 2.303, और क्या हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा log r जीरो में। तो जहां जहां ln है गुना करके log में बदल दिए। अब 2.303 इधर भेज के डिवाइड में कर देते हैं, गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या बच जाएगा, log r बराबर, इसमें तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस के बटे 2.303 इंटू टी या प्लस, इसमें डिवाइड जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या बचा हुआ रहेगा, log r जीरो बचा हुआ। देखिए यही y का मान हो गया, y एक्सिस पे log r जीरो और x एक्सिस पे t, तो ये x एक्सिस पे t, तो ये हमारा क्या हो गया, m का वैल्यू, इतना वैल्यू जो आ गया, ये क्या है हमारा स्लोप है, माइनस के बटे 2.303 क्या है इसका स्लोप है। यहाँ पर क्या है, ये c का वैल्यू है, ये क्या आया, c का वैल्यू। अब इसका भी ग्राफ हम लोग देखते हैं, तो ग्राफ देखते हैं तो क्या आएगा, इसको मिटा देखते हैं तो क्या आता है ग्राफ, ग्राफ ध्यान से देखिएगा कि क्या आने वाला है। तो y एक्सिस पर क्या है, log r, और x एक्सिस पर क्या है, t है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। अब हम लोग देखते हैं c का वैल्यू से स्टार्ट हो ग्राफ, तो log r जीरो इसको मान लेते हैं, log r जीरो का मान यहाँ पे है। अब देखिए m का मान, स्लोप जो है नेगेटिव है, तो ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। तो यही ग्राफ सरल रेखा का समीकरण था, तो सरल रेखा ग्राफ हुआ। तो इस ग्राफ में स्लोप का मान क्या आया, माइनस के बटे 2.303, इसमें स्लोप क्या आया था, इसमें स्लोप का वैल्यू केवल माइनस के आया था, स्लोप का वैल्यू क्या आया था, माइनस के आया था। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इसके बारे में ग्राफ खींचने से हम लोग को क्या पता चला, कि जब log r 0 एवं t के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका अंतःखंड log r 0 एवं ढाल माइनस के बटे 2.303 प्राप्त होता है। तो लास्ट में पॉइंट को ये लिखना है जो हिंदी में भी बताए हैं। तो ये सेकेंड ग्राफ हुआ,
नेक्स्ट मैं आप लोग को थर्ड ग्राफ देखते हैं कि क्या होता है। इसको मिटा देते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं हम, ग्राफ को केवल मिटा रहे हैं। नेक्स्ट अब देखिएगा क्या, ये रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बतलाने जा रहे हैं कि आप लोग को थर्ड नंबर ग्राफ ln r 0 बटे r एवं एंड t के बीच ग्राफ, मतलब ग्राफ किसके किसके बीच देखना है, ln r 0 बटे r एवं t के बीच क्या लिखेंगे, तो इसमें ग्राफ बिटवीन ln r 0 बटे r एंड t। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को लाना पड़ेगा उस फॉर्म में, मतलब हमको बाई एक्सिस पर ln r 0 बटे r, तो ln r 0 बटे r इस कंसेप्ट से आएगा, लॉग वाला रहना रहता तो इस कंसेप्ट से लाते। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कंसेप्ट क्या जानते हैं, ln r बराबर माइनस के इंटू टी या प्लस ln r 0, यही है। तो क्या करते हैं, ln r को नेक्स्ट इधर भेज देते हैं और माइनस के टी को इधर भेज देते हैं, तो माइनस के टी है तो इधर आएगा तो प्लस के टी, अभी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, इधर पहले से क्या है ln r 0, इधर से आया माइनस ln r। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कंसेप्ट क्या जानते हैं कि जब भी क्या रहे ln या log माइनस में रहता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो क्या लिखें, यहाँ पर हो जाएगा ln r 0 बटे r। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट आया, ln r 0 बटे r बराबर k इंटू टी, और नहीं कुछ है तो बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यही देखिए y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, इसके साथ जो है वो स्लोप हो गया, और ये c का वैल्यू हो गया, तो c का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ओरिजिन से ग्राफ खिंचाएगा। तो y बराबर हमें देखिए भैया वाई एक्स और एक्स एक्स, तो y का मान ln r 0 बटे r और x का मान t, देखिए तो यही यहाँ पर ग्राफ खिंचाएगा। तो यहाँ पर इसको मानते हैं x एक्सिस, इसको मानते हैं क्या y एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया ये y एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, y एक्सिस पर क्या हम लोग लेट किए हैं, ln r 0 by r, और x एक्सिस पर क्या है t, और ये ओरिजिन जो है इसको ओरिजिन बोलते हैं, तो ओरिजिन का वैल्यू क्या है c है, तो ग्राफ तो ओरिजिन से जाएगा। देखिए स्लोप का मान पॉजिटिव है, प्लस में है, स्लोप का मान क्या है, तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप बराबर हो गया k। तो हम लोग क्या देखे, जब ln r 0 बटे r एवं t के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से शुरू होती है एवं जिसका ढाल k है, उसका ढाल क्या है k। तो ये हम लोग थर्ड नंबर देखे। फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं ग्राफ बिटवीन को इस तरह से भी लिखा जाता है शॉर्ट में, लॉग के रूप में रहे, लॉग r 0 बाई r एंड t के बीच ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग किसके किसके बीच देख रहे हैं, लॉग r 0 बाई r एवं t के बीच। तो यहां से जो हम लोग को कंसेप्ट आया इसी को लॉग में बदलेंगे, ln को लॉग में बदलते हैं, तो क्या हमारा यहाँ आया था कंसेप्ट ln r 0 बटे r, इसी को लॉग में हमको चाहिए, तो k इंटू टी प्लस 0 यही कंसेप्ट आया था, इसको लॉग में बदल देते हैं, तो 2.303 log r 0 बटे r बराबर k इंटू टी या प्लस 0, गुणा में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या रहेगा log r 0 बटे r, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ये डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा के वाई 2.303 इंटू टी प्लस 0, 0 डिवाइड करेंगे तो 0, यही देखिए हो गया y बराबर
यम इंटू एक्स प्लस सी, ये हो गया यम का वैल्यू। अब ग्राफ इसी तरह से आ जाएगा तो ये भी देखिए सी का वैल्यू जीरो है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इस पे टी रहेगा इस पे लॉग, तो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, सी का वैल्यू जीरो है, इसका भी स्लोप का मान पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, के बटे 2.303। इसका ग्राफ इसका स्लोप में देखे तो माइनस के बटे 2.303, इसका के बटे 2.303, इसमें के आया था, इसमें माइनस के आया था, इसमें के आया। तो अब चार ग्राफ आप लोग देखे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जब लॉग आर जीरो बटे आर एवं टी के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से शुरू होती है एवं जिसका ढाल के बटे 2.303 है। तो ये चार नंबर ग्राफ देखे। अब पांच नंबर ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बिटवीन रेट एंड आर। आर हो गया क्या, रिएक्टेंट, रेट हो गया बेग, बेग इसको बोलते हैं अभिकारक। तो अभिकारक और वेग के बीच ग्राफ खींचना रहे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं रेट बराबर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के इंटू आर पे पावर वन, शून्य कोटि के लिए रहता था के इंटू आर पे पावर जीरो, द्वितीय कोटि के लिए के इंटू आर पे पावर टू होता था, तो पावर या वन वन लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया वाई, आई हो गया एक्स, रेट को वाई और एक्स आर को यक्स, तो ये क्या हो गया मेरा स्लोप, यक्स के साथ जो गुना रहता है उसी को ढाल बोलते हैं, नहीं कुछ है तो बराबर जीरो लिख सकते हैं, तो जीरो का सी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो यक्स एक्सिस पे आर जीरो और वाई एक्सिस पर रेट। अब यहाँ पर क्या देखना है, जीरो से ग्राफ शुरू होगा ओरिजिन से और स्लोप का मान पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा क्या, के हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखे, जब वेग एवं अभिकारक के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से स्टार्ट होती है एवं जिसका ढाल के है। तो ये हम लोग क्या देखे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भिन्न भिन्न रूपों में ग्राफ देखे। ग्राफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं या सीबीएसई में 12 से तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्वेश्चन हमेशा आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को प्रथम कोटि अभिक्रिया की विशेषता का वर्णन करेंगे। हमारा ये वीडियो कंसेप्ट यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।